हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया है वसीम शबाना ढनकर डन ब्लॉग में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और हसनैन के अब्बा चले गए काम पे, निकल गए यहाँ से पौने ग्यारह बजे निकल गए यहाँ से। आज वो गए हैं मलाड़ काम पे। आज मैं उनको टिफिन, पहला दिन था और टिफिन भी नहीं दे पाई क्योंकि खुद ही इतना लेट सो के उठे। मैं भी उनके साथ ही में उठी हूँ और लेट भी हो गया। तो आज बोला कि टिफिन चलेगा, आज नहीं भी देंगे तो आज चलेगा, आज मैं कैसे भी एडजस्ट कर लूँगा, कल से टिफिन बना कर देना। मैं बोली हाँ ठीक है, बस कल से इंशाल्लाह ज़रूर बना, क्योंकि आटा वाटा कुछ नहीं था। अब कल रात में आटा वाटा सब ले आऊँगी और फिर कल से अब टिफिन बनाना चालू। और बच्चे भी सोकर उठ गए, अब करेंगे सब नाश्ता। आतिफ तो नाश्ता करके रिटर्न सो गया था, आज दिन तो मेरा अब भी उठा है। हाँ मेरा राजा बेटा उठ गया, सलाम करो बेटा। हाँ चलो ले तुम। अब हसनैन के अब्बा चले गए काम पे, अब वो रात में 11 बजे आएंगे कि 11:30 बजे आएंगे, कोई टाइमिंग नहीं है, देखते हैं। अब बस नाश्ता करना है और काम पूरा पड़ा हुआ है, पूरा टोटली काम करना है, बर्तन झाड़ू पोछा सब करना है, तो फटाफट काम भी करना है और दोपहर के लिए हमारे लिए कुछ बनाना भी है। अब जा रही हूँ फटाफट, नाश्ता करूँगी, नाश्ता करवाऊँगी बच्चों लोग को, फिर लगूँगी काम में, क्योंकि आज मैं पूरा दिन में अकेला बच्चों को झेलने वाली हूँ। ये प्यारे प्यारे बच्चों को परेशान करने वाले हैं मुझे आज पूरा दिन। तो चलो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। बच्चा तो मेरा काम वाम हो गया है, थोड़ा बर्तन वर्तन घस ली, अभी झाड़ू पोछा बाकी है, झाड़ू पोछा झाड़ू करने के लिए और खाना बनाना है। आज तो मैं अकेली हूँ तो कुछ भी बना के खा लूंगी। सोच रही हूँ दाल चावल बना लूँ, तो दाल चावल बना लूँ। और पता, मैं अपने बच्चों ने कुछ लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो मैंने छोड़ा है, देखो कैसे झपटे मार रहा है, देखो 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 कैसे झपट मार रहा है। ये देखो ये देखो, छोड़ो यार, ये देखो मस्त लग रहा है ना। ये लोग कुछ करने नहीं देंगे। तो देखो हसनैन ने ये वाला लिया, हसनैन तेरी बोतल दिखा दे अच्छे से। हाँ हसनैन ने ये दोनों लिया है और आतिफ ने ये दोनों लिए है। हसनैन बहुत शाड़ा है, हाँ मेन मेन खुद ले लिया और ये जो छप्पर वाला था वो मेरे बच्चे को दे दिया। गलत बात है बेटा। हाँ तो तुमको ये खाना है? हाँ पसंद है, खा रहा है खा रहा है। चलो चलो मैं खिलाती हूँ। तो अब करते हैं झाड़ू पोछा और बनाते हैं खाना, क्योंकि काम तो अभी पड़ा ही है यार। मुझे बहुत कंटाल आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन में आलस का कुत्ता घुस गया है। सर मैं यार भी ना बहुत आलस आती है। कोई नहीं, मैं जा रही फटाफट अभी खाना वाना बनाऊंगी, टाइम तो ज़्यादा ही हो गया है। ये लोग नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, अभी लोग का पेट भरा हुआ है। अब जा रही फटाफट, ये लोग को नाश्ता करवा दी हूँ, सब हो गया है। अब जा रही फटाफट खाना वाना बनाऊंगी, सब करूँगी। और मेरे को वीडियो अपलोड करने आज मुझे खुद जाना पड़ेगा भाई के घर पे, क्योंकि रोज हसनैन के अब्बा करते थे, तो आज मैं जाने होंगी। काम हो जाएगा तो जाऊँगी 4-5 बजे तक का। तो मिलते हैं खाना खाने के टाइम पे। आतिफ आतिफ देखो फ्रिज पे बैठा है। आ तो, और यहाँ मैं दाल अभी गर्म कर रही हूँ बघारने के लिए। चावल मेरा बन गया, दाल बना रही हूँ अभी। अब इसको एक बॉयल आने के बाद इसको बघारूँगी, जब तक आतिफ यहाँ बैठा रहेगा मेरे पास में। तो मेरा दाल वाल बघार के हो गया, मैं जा रही हूँ अंडा फ्राई करने के लिए। आज मैं बनाऊँगी हाफ फ्राई अंडा। मैं कैसे बनाता हूँ उनको दिखाती हूँ। मुझे एकदम हाफ फ्राई अंडा पसंद है, जो मेरा बहुत फेवरेट है, एग माय फेवरेट डिश। अभी हसनैन के अब्बा को फ़ोन की थी, मैं बोली कि क्या कर रहे हो, खाना वाना हो गया? मैंने कहा थोड़ा हालचाल लिया जाए। बोल रहे हैं अरे यार मुझे इधर अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेरे से काम ही नहीं हो रहा है, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आए, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बोलते मैं आ जा रहा घर पे। मैं बोली अरे रहने दो, एक दिन काम कर लो, बाद में देखते हैं। बोले नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, अभी तो दोपहर के 2 बज रहे हैं। बोलते मैं आ जा रहा घर पे, काम ही नहीं कर पा, क्योंकि कैसे ना वहाँ बैठने का काम ज़्यादा है, ग्राहक आएगा तो उनको दिखाना करना ये सब काम है। अभी सेल्समैन वाला है, पहले किए 6 साल पर अभी नहीं हो रहा है। अभी कैसे ना कलर का काम करते हैं तो क्या हाथ पर चालू रहता है, सीलिंग मारो दीवार मारो ये करो ग्रिल मारो, तो हाथ चलता रहता। अभी हाथ चुपचाप बैठा हुआ है ना, तुमको अच्छा ही नहीं लग रहा है। बोलते शबाना मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तू सेठ से बात कर और मैं आ जा रहा हूँ, शायद
आ जाएंगे। अब तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं सोची कि आज थोड़ा हाफ फ्राई अंडा खाने का बहुत दिल कर रहा था दाल चावल के साथ में, जो हाफ फ्राई अंडा थोड़ा शेयर करती हूँ। हसन के बगे पर हंसी आ रही है, आज का पहला दिन है काम का, मुझे सब आना, मैं क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं आ रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, अब जैसी तुम्हारी मर्जी है, मैं क्या जबरदस्ती करूँ, देखते हैं अभी क्या करते हैं, आएंगे क्या रुके। ऐसे तो मैंने बोली हूँ कि एक दिन पूरा दिन तो निकाल लो, बोला जब धंधा ही नहीं हो रहा है तो क्या पगार देगा, क्या पगार लूँ, क्या करूँ, बैठा रहूँ दिन भर ऐसी खाली फोकट। तो मैं बोली देखो अभी जैसे तुमको सही लगता है उस हिसाब से करो। ऐसे तो बोल रहे कि नहीं तू फोन रख, मैं आ रहा हूँ घर पे। देखो क्या कर, मैं तो जा रही भाई खाना खाने के लिए, खाना खा लूँगी, अब काम वम सब हो गया, अब खाना खा के बच्चों को खाना खिला के सीधा भूल टू ही सो जाएंगे, क्योंकि रात में कुछ इंशाल्लाह रेसिपी भी बनाऊंगी। तो यहाँ बन रहा है मेरा हाफ फ्राई, मैं पूरा ये जो है ना पीला वाला ये पूरा मैं ऐसे छोड़ रखती हूँ, तो थोड़ा सा नमक डालती हूँ बस, मुझे ये बहुत पसंद है। तो हम जा रहे हैं फाइनली खाना खाने के लिए, तो आप लोग भी आ जाइए, और आज मेरे खाने में क्या है मैं दिखाती हूँ। और प्लीज आज दस्तरखान मैंने नहीं बिछाई हूँ, क्योंकि दस्तरखान मेरा धोने में है और मेरे पास एक ही दस्तरखान है, तो प्लीज कुछ मत बोलना, खाना देखो मेरा। और आज क्या है मैं दिखाती हूँ, तो मेरा ये फेवरेट खाना है, जो मेरे ये जो है इतनी डिश जो मेरा है ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे रोज मिले तो मैं रोज खाऊँ, एक भी दिन मना नहीं करूँ, दोनों टाइम मिले तो दोनों टाइम खाऊँ, तो मैं दिखाती हूँ। हाँ तो ये मेरा फेवरेट दाल चावल एकदम तड़कता भड़कता तड़के के साथ, और ये मेरा हाफ फ्राई अंडा, ये देखो मेरा अंडा इतना नरम है, ये मुझे बहुत पसंद है, बच्चों के लिए दोनों तरफ से फ्राई करी हूँ, और मिर्ची और नमक लगा लगा के खाना, ये मुझे बड़ा पसंद है। ये रहा मेरा पूरा खाना और यहाँ पानी, तो देख के तो मुँह में पानी आ रहा, मैं जा रही फटाफट खाने, और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी, क्योंकि नाश्ता मैंने सही से नहीं करी थी, और बच्चे लोग भी इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ 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 चलो हमला, तो आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। तो पहले खिलाओ बच्चों को, फिर आएगी अम्मी की बारी। अच्छा है हसनैन, अभी आतिफ, ये तो मुंह ही नहीं खोलता है सही से, ये लो अच्छे से खाओ। हाँ बच्चों फटाफट, अभी तक तो हमारी बारी आई नहीं है खाने की, अभी तो बच्चों लोग की बारी है खाने की। हाँ बेटा खिला रही हूँ, बच्चा खा लो फटाफट फटाफट। हाँ तो हम सब सोकर उठ गए, और हम जा रहे हैं भाई के घर पे, मुझे आज करना है वीडियो अपलोड, तो मैं जा रही हूँ भाई के घर पे। असदन के बा आने वाले थे दोपहर में, बट कैंसल हो गया कि नहीं आज का पहला दिन है, आज मत जाओ, एक दो दिन थोड़ा होगा बाद में जाना, एक दो दिन जरा कर लो, अभी एक दो दिन जरा कैसा थोड़ा अजीब लगेगा, करते करते आदत हो जाएगी, तो इसलिए बोले कि मैं नहीं आ रहा हूँ, देखता हूँ जरा, नहीं होएगा तो आ जाऊँगा, नहीं तो देखते, अभी तक तो आए नहीं, अभी तो 7:45 हो रहा है। मैं जा रही हूँ भाई के घर पर, बच्चे लोग भी तैयार हो गए, मिलते हैं भाई के घर पर। तो आतिफ भी यहाँ तैयार हो गया है, और हसनैन भी तैयार हो गया। हसनैन हाँ पहनो पहनो, अभी नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। हाँ तो क्या हुआ, नहीं पहनने वाला, लो को पहनाती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ भाई के घर पे से बाजार वजार लेकर, और मैं लाई हूँ पत्ता गोभी, आज मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी और आलू की सब्जी, और मैं दूंगी उसकी रेसिपी। पत्ता गोभी हसनैन के अब्बा की फेवरेट सब्जी है, मुझे पसंद है बट मैं इतना नहीं खाती हूँ नॉर्मली, ऐसे तो मैं हर एक भाजी खाती हूँ, मेरा कोई नाटक नहीं, कोई नाटक नहीं। तो कल टिफिन में भी देना है, तो अभी थोड़ा सा बनाऊँगी इसको मैं पत्ता गोभी में पिंक पिंक। चलो फटाफट तैयारी करते हैं, बच्चे लोग लो चीज़ लेकर आगे बैठे हैं हसनैन के अब्बा। कितनी मेरी हजामत हो गई पता है, मैं पता 2-3 दिन से लगातार एक ही बात बोल रही हूँ कि वाईफाई लगवा दो, वाईफाई लगवा दो, लगवा दो। मैं घर में रहूँगी तो कैसे ना कैसा करके मैं अपलोड कर दूँगी, थोड़ा मुझे बता दो कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे क्या होता है, पर नहीं समझाए उन्होंने।
आखिर मुझे दोनों बच्चा ले जाके लटका कर लेकर जाना पड़ा इतना दूर, वहाँ से अपलोड करवा के बाजार लेकर, तब मैं अभी आई हूँ घर पे और बज रहे हैं 9:15। अच्छा कि मैं दाल चावल बना कर गई थी, अब भाजी की भी तैयारी करनी है, भाजी की रेसिपी दूंगी। कितने मेरी हजामत करते ना यासमीन के अब्बा साहब, मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिए। ये तो मलाड में काम पे लग गए, अब काम धंधा नहीं है तो घर वर कैसा चलेगा, क्या करेंगे, ये वजह से काम पे लग गए हैं अभी। मुश्किल है भैया, मलाड में टिकेंगे 2-3 दिन बहुत हो गया उनके लिए, फिर अब्बा के पास अभी कंटिन्यू काम ही नहीं आ रहे, मजबूरन मलाड में लगना ही पड़ा उनको। अब देखो अब्बा के पास काम आ जाता है 1-2 दिन में, तो मुझे नहीं लगता कि वो मलाड में काम करेंगे अभी। चलो मैं तो इतना बेहद थक गई हूँ ना, मैं क्या बताऊँ यार सही में। एक तो घर का काम, ऊपर से बच्चे, व्लॉगिंग, और आज तो अपलोड भी करने के लिए मुझे जाना पड़ा है। यार मेरा पैर हाथ इतना दर्द हो रहा है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब जा रही फटाफट सब्जी वब्जी काटूंगी, थोड़ा लाऊंगी एनर्जी अपने अंदर, क्या करूँ बिना काम करे तो नहीं चलेगा। क्या हुआ बेटा हसनैन, क्या हुआ, अंदर आओ, दरवाजा बंद कर दो। चलो चलते हैं, भाजी की तैयारी करते हैं। बच्चे ऐसी हैरान करके रखे ना, एकदम क्या बोलूं मैं। तो हे गाइस, मैं आ गई हूँ एक छोटी सी रेसिपी के साथ में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और पत्ता गोभी की झटपट वाली सब्जी, और एकदम टेस्टी, बस खाओ तो बस उंगलियां चाटते रहो। तो ऐसी सब्जी मैं बनाने वाली, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या और कैसे बनाती हूँ, दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने ले ली हूँ 1/2 किलो पत्ता गोभी, इसको पतला पतला मस्त कट कर ली हूँ, और 1/4 किलो ली हूँ आलू, इसको मैंने अच्छे से धोकर भिगा कर रख दी हूँ। और यहाँ मैंने ले मीडियम साइज का 2 बड़ा कांदा, और यहाँ 3 टमाटर, मस्त रस भरे टमाटर जिसका रस तो पूरा निकल चुका इधर, और यहाँ 4 हरी मिर्ची ली हूँ, और यानी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 मैजिक का मैगी मसाला, और नमक स्वादानुसार। अब बनाते हैं इसे फटाफट, और मैं कैसे कैसे करूँगी, कैसे कैसे बताऊँगी, कैसे बनाऊँगी, सॉरी बोली में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, एकदम टेस्टी मस्त। तो मैंने प्याज डाल दी हूँ, और इसको गोल्डन ब्राउन होए तक इसको पकाऊँगी। तो कांदा यहाँ हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालेंगे टमाटर और मिर्ची, और इसी के साथ में जाएगा हमारा ये पाउडर मसाला। तो देखो टमाटर और मसाला मस्त अच्छे से पक गया है, मस्त सब गल गया है मस्त। अब इसमें डालेंगे हम सब्जी, जो हमारी कटी हुई सब्जी है, अब इसको ऐड करेंगे। तो मैंने भाजी को मस्त अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, और इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, इसको स्लो पे पकाना है, इसमें खुद ही पानी छूटेगा अभी। तो मस्त इसको तेल में ही पकाना है, इसको बिल्कुल पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो मस्त अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको करते हैं ढक्कन बंद, इसको स्लो पे पकाते हैं। तो यहाँ मस्त सब्जी तैयार हो गई है, देख सकते हो मस्त, और आलू भी गल गया है, आलू के हो गए 2 टुकड़े। अब इसमें मारेंगे धनिया हम फेंक कर, मस्त मेरी सब्जी तैयार है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम ऑन द पश्चिम शाबाना ब्लॉग में। हाँ, और मैं आ चुका हूँ, मैं मलाड़ से काम पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आज का पूरा बेकार दिन गया, मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया आज काम करने, एकदम बेचैनी बेचैनी हो रही थी। ठीक है कोई नहीं, फिर भी करेंगे थोड़ा 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 आराम आराम से। ये आया मेरा बेटा होश में, तो चलिए ठीक है, अब हम जा रहे हैं खाना बनाने। खाना खाना आज सबाना क्या बनाइए, आलू आलू और पत्ता गोभी की पत्ता गोभी झटपट झटपट रेसिपी सब्जेक्ट। चुप बैठो यार, आप तो जानू मेरा आए हो उसमें,
तो चलिए ठीक है, थोड़ा ये मेरे बच्चों लोग से मिल लूं अच्छे से। तो फाइनली हमारा खाना पीना सब हो गया है, अब बिस्तर भी लग गया है, हम जा रहे हैं अभी सोने के लिए अस्तर के पापा, क्योंकि सुबह में जल्दी काम पर जाना है, आज लेट गए थे, पहला दिन ही लेट गए थे, कल से जाएंगे काम पे। इधर देखो ना यार, अच्छा आतिफ था क्या? तो अस्तर के पापा काम है, सुबह में जल्दी उठना है, रोटी बनाना है, सब भाजी बनाना है, तो लेट हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा जरूर बताना, इसमें सिर्फ मैं ही हूँ, अस्तर क्या बहुत कम है, तो कोई बात नहीं। तो आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा जरूर बताना, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, घंटा बटन दबाना मत भूलना गाइस, गाइस मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फुल प्यार सपोर्ट दीजिए, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब किया, लाइक करो जाके सब, और कमेंट करो, और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सा कमेंट करो, और कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी के बारे में मुझे बताओ जो मैं बना सकूँ, ऐसी कोई रेसिपी बताओ। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।